हेलो गाइस व्हाट्सअप दिस इज सेंज। हेलो गाइस व्हाट्सअप दिस इज सेंज। कैसे हो आप? होप के बढ़िया होंगे और लाइफ में बाइकिंग चल रही होगी। यह लास्ट व्लॉग में मैंने ये बोला था कि अपने केटीएम को लेमिनेट करवा के आएंगे टैंक पे जो स्क्रैच पड़ चुके हैं। सो चलते हैं अपने टैंक पे लेमिनेशन करवा के आते हैं, बिकॉज मेरी काफ़ी मशक्कत करने के बाद भी जो अपने लास्ट राइड पर मैंने स्क्रैच करे हैं, जो मैंने कांड करा है टैंक पे, कार्बन ऑडो लगा दिया था। सो जब से राइड पे आए हैं तब से एक पछतावा हो रहा है कि मेरे को जो कार्बन ऑडो है वो टैंक पे नहीं लाना चाहिए था। पहले ही मेरे को कुछ जुगाड़ करके चलना चाहिए था, बट ऐसा नहीं कर पाया। माई पैड अब उस पर फाइनली स्क्रैच पड़ गए हैं। रबिंग कंपाउंड करी, पॉलिश करी, बट वो स्क्रैच नहीं हटे। तो अब एक ही सोल्यूशन है कि उसको लेमिनेट करवाते हैं, निकालते हैं अपनी KTM, करवा के आते हैं उसको लेमिनेशन। एंड बाइक के पास पहुँचने पहले से यू नो द ड्रिल मैन, डू सब्सक्राइब माई चैनल दिस इज सेंज, फॉलो मी ऑन द इंस्टाग्राम टू एंड प्रेस द बेल आइकन। सो बाइक कर ली अपने कोल्ड स्टार्ट, वार्म अप होने देते हैं फिर चलते हैं। सो निकल पड़े हैं अपनी KTM की फर्स्ट टाइम लेमिनेशन करवाने। वैसे इससे पहले मेरे पास जितने भी व्हीकल्स रहे हैं मैंने किसी की भी लेमिनेशन नहीं करवाई थी, बिकॉज रीज़न ये है कि लेमिनेशन करवाना मेरे को पसंद ही नहीं है। और उसका बड़ा रीज़न ये है कि जो रॉ पेंट होता है, जो फैक्ट्री मेड जो पेंट लगाया जाता है, उस पर जो कपड़ा मारना या उसकी जो शाइनिंग होती है उसकी एक अलग ही बात है। लेमिनेशन से वो वाली शाइन नहीं रहती। हाँ, बेशक से आपका जो पेंट है वो प्रोटेक्ट तो हो जाता है, बट फिर टाइम अनुसार जैसे जैसे लेमिनेशन पुरानी होती जाती है वो फिर उसकी शाइनिंग भी कम होती चली जाती है। सो ये एक बड़ा रीज़न है कि मैं लेमिनेशन नहीं करवाता। मैं अपना पेंट को साफ रखने में ज़्यादा ट्रस्ट रखता हूँ। लेमिनेशन का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है, अपने अपने फंडे हैं सबके। सो चलते हैं, करवा के आते हैं फाइनली। वैसे गलती मेरी ही है, जरूरत नहीं पड़ती लेमिनेशन करवाने की, बिकॉज राइड पे मैंने कार्बन ऑडो रख दिया था। बहुत ही नो सिखिया वाली पैकिंग करी है। वैसे तो मैं रेडर बोलता रहता हूँ, बट स्टिल ये जो काम करा मैंने ये काफ़ी बकवास करा है। इन द वे एक कपड़ा रख लेता तो ठीक रहता, बट हड़बड़ाहट में ऐसे अर्जेंट में ऐसे राइड पे निकले और तैयारी नहीं करी तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो गई है। पानीपत में डिटेलिंग डेविल्स भी है और भी बहुत सारे 3-4 अपना ये डिटेलिंग वाले बैठे हुए हैं। तो कभी चलेंगे फ्यूचर में, करवा के आएंगे इसकी सारी डिटेलिंग। वैसे तो अभी ज़रूरत नहीं है बिकॉज नई बाइक है, लेकिन जो टैंक की डिटेलिंग है ये तो करवा के आनी पड़ेगी। फ़िलहाल तो अभी लेमिनेशन से काम चला लेते हैं, बिकॉज अभी इतना बजट नहीं है कि इसमें मैं डिटेलिंग करवाऊँ। आई डोंट नो कि वो कितना चार्ज करेंगे, लेकिन फ्यूचर में इसकी शाइन बरकरार करने के लिए तो डिटेलिंग करवानी बनती है बॉस। सो अभी ये जो रोड बनी है हमारे यहाँ पानीपत में, ये सीमेंटेड रोड बनी है। इससे पहले इंटरलॉक वाली रोड थी, इंटरलॉक टाइल्स वाली रोड थी, जो कि बहुत ही सही थी, कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी, बट स्टिल वो उखाड़ के इन्होंने सीमेंट वाली रोड बना दी, जो कि मेरे को टोटली इलॉजिकल लगता है। और अभी आगे तो बन रही है तो राहगीरों को बहुत ही परेशानी हो रही है, और अभी तो बारिशें स्टार्ट होंगी तो और प्रॉब्लम होगी अगर टाइम से नहीं बनी तो। सो ये आ चुके हैं साई बाबा चौक और अपने स्टिकर की शॉप का नाम भी साई है। वेल दैट्स नाइस। मैं अपना जो भी स्टिकरिंग का काम करवाता हूँ मैं इसी से करवाता हूँ। डोर तो बंद है, देखते हैं कि बंदा खड़े हैं नहीं खड़े। बंद है भाई, बंद है। सो ये भाई साहब अपॉइंटमेंट दे गए, चले गए थे, अब आए हैं, लगाया अपना नंबर, आप जाते हैं अपॉइंटमेंट लेके, चढ़ाते हैं ऊपर। स्टीप क्लाइंबिंग, एक बार तो कांड होते होते बचा था। ओ लगे भाई नीचे, ग्राउंड क्लियरेंस कम है ना इसलिए। ना ऐसा कुछ नहीं है ना, कैसे करें फिर? वो तो कोई नहीं दे देंगे, ये कुछ ज़्यादा ही ऊंचा हो गया। यहाँ है ना वो राइडिंग पे गया था, वो नहीं है बैग मेरा, वो रस्सी से यहाँ आगे पीछे की वजह से यहाँ स्क्रैच पड़ गए पूरे, तभी तो लेमिनेशन करवा रहा हूँ मैं।
ओके सो करवा ली हमने लेमिनेशन विद द नाइस आउटलाइनिंग ऑफ ब्लैक स्ट्राइप, बहुत ही बढ़िया काम हुआ है। वैसे लेमिनेशन की जो शाइनिंग है वो टोटली अलग होती है और जो पेंट की शाइनिंग है वो टोटली अलग होती है, बट करवा ली है तो ठीक है, वेल एंड गुड। तो चलते हैं अपना घर पे, इसको थोड़ा सा एज यू नो अपना वापस ढक के रखते हैं और अब चाहे वेदर से टैंक पैक लगाऊं या कुछ भी लगाऊं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इतनी। सो लेट्स गो टू होम। सो चलते हैं अपने घर को और यहाँ से ढंग से उतारनी पड़ेगी बिकॉज चढ़ाते हुए काफ़ी तेज लगी है नीचे से, एकदम से दिल को झटका लगा है। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस सीरियसली ऐसे कामों में बड़ी दिक्कत करती है। चलो अब ध्यान से उतारेंगे, लगेगी उतारने में हल्की सी बट स्टिल आराम से उतारेंगे, हल्की सी लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, बट तेज लगे तो फिर यू नो गले में झटका लगता है। ओके आराम से ठीक है ठीक है। ओके उतर गई ठीक है, चलो ठीक है आराम से कर लेते फिर ठीक है। चलो ठीक है फिर चढ़ा तो एकदम से स्पीड से चढ़ाई तो नीचे लग गई थी, उतार तो ठीक था कोई दिक्कत नहीं थी, बट कोई ऑप्शन नहीं था, जब चढ़ानी होती है तो थोड़ी स्पीड में चढ़ानी होती है। जब से KTM डूब ली है दूसरी बार था कि बाइक नीचे लगी है, या स्टीप क्लाइंबिंग चढ़ते हुए दूसरी बार कांड हुए मेरे साथ। तो जो भी KTM डूब ओनर्स हैं उनके लिए यही बात है कि स्टीप क्लाइंबिंग करते हुए बाइक को थोड़ा सा ढंग से संभालें, इन द मैटर ऑफ ग्राउंड क्लियरेंस, इन द मैटर ऑफ इंजन वार्म अप। जिन्होंने मेरी वो वीडियो देखी होगी अपना बरोग रेलवे स्टेशन शिमला की, तो वहाँ पर काफ़ी दिक्कत हो गई थी चढ़ाते हुए बाइक, एकदम से लिटरली फंस ही गया था मैं। तो अब ठीक है, वेल अभी जैसे DJI Osmo का ये सामने वाला जो ये व्यू है, अगर मेरे पास सेम एंगल में GoPro होता तो उसका काफ़ी यू नो जो जैसे आसमान दिख रहा है वो काफ़ी ऊपर तक नज़र आता और नीचे तक भी पूरा नज़र आता। अभी जैसे इसमें मीटर ढंग से नज़र नहीं आ रहा तो पूरा अप से लेकर डाउन तक पूरा उसका अच्छा व्यू है GoPro का। सो वन ऑफ द बेनिफिट ऑफ द GoPro एक्शन कैमरा, कम ये भी नहीं है बट इसका व्यू थोड़ा सा कम है, जो वाइड व्यू है वो थोड़ा सा कम है। और 4:3 में अगर मैं करता हूँ इसको सुपर वाइड में तो उसमें यू नो स्टेबलाइजेशन नहीं होती, तो वो भी खास मैटर करती है स्टेबलाइजेशन। खैर अभी तो चलाते हैं काम, कभी होगा बजट होगा तो अपना GoPro लेंगे। इससे लेने से पहले मैं GoPro 7 भी लेना चाहता था बट GoPro 7 काफ़ी पुराना हो चुका है, मार्केट में कम ही अवेलेबल है, ऑनलाइन भी कहीं से मिल नहीं रहा था। कैमरा मार्केट चांदनी चौक दिल्ली गया था, वहाँ पर भी नहीं मिला मेरे को, 8 भी नहीं मिल रहा था, सिर्फ 9 था और 10 था। पहले ये कल शीशा जो टाइट करा ये ढंग से नहीं करा, थोड़ा और सेट करना पड़ेगा, काफ़ी अंदर कर दिया मैंने इससे, इसकी वजह से मेरे को पीछे का ढंग से दिखाई नहीं दे रहा। अपने बाइक को पैम्पर करने में बड़ा ही अच्छा लगता है। अब लेमिनेशन करवा के आए हैं, कल तक 2 दिन में सेट हो जाएगी। यहाँ बारिश तूफान भी अभी 2 दिन हुई है, इसके बाद अब पूरी धूप है तो इसको थोड़ा सा भारी वापस खड़ी कर देंगे, थोड़ा गर्मी लगेगी तो लेमिनेशन अपने आप अच्छे से सेट हो जाएगी। एक दो हल्के हल्के बबल्स तो आ ही जाते हैं तो वैसे भी कोई इशू नहीं है, छोटा मोटा तो चलता ही रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। सो लेमिनेशन करवा के आ गए हैं घर और बढ़िया शाइनिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि रॉ पेंट जो होता है उसकी शाइनिंग अलग ही होती है, बट लेमिनेशन से प्रोटेक्ट हो जाता है, बट यू नो शाइनिंग वैसी नहीं रहती बट स्टिल प्रोटेक्ट हो जाता है, तो ठीक है वेल एंड गुड है। सो आज यहीं वापस अपना खड़ी कर देते हैं, यही जगह है, हालांकि मैं रोज़ वहाँ खड़ी कर सकता हूँ बट मेरे को उसके लिए कार निकालनी पड़ती है, फिर बाइक निकालनी पड़ती है, तो काफ़ी पैनिक हो जाता है। वो अपना कार की जगह ठीक है, किसी दिन जब लॉन्ग टाइम होता है तो मैं अंदर ही खड़ी करता हूँ अपनी KTM, बट ऑल टाइम अगर यहीं रहती है सो खड़ी करते हैं अपना, इसको रख देते हैं, कल यहाँ सीधा इस पर धूप पड़ेगी तो लेमिनेशन अपनी सेट हो जाएगी। सो दिस इज सैंज, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अपना भी ध्यान रखें, अपनी बाइक का भी ध्यान रखें, राइड सेफ राइड हार्ड एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल मैन, लिव योर लाइफ मैन, लिव योर लाइफ, yeah।